नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, कैसा रहेगा मई 2022 कुंभ राशि के जातकों के लिए, कौन से बड़े परिवर्तन हैं जो इस मंथ में होने जा रहे हैं और किन चीज़ों से रहना है आपको सावधान। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। यदि आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर सके। वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। दर्शकों, ये राशिफल चंद्र राशि व आपके नाम पर आधारित है, तो आप इसे उसी प्रकार से देखने और समझने का प्रयास करें। लेकिन यदि आपको कोई विशेष प्रश्न है, आप किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत सारे एफर्ट्स लगा लिए लेकिन आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मंथ में चंद्रमा से बनने वाली अशुभ तारीखों के बारे में। चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क के स्वामी होते हैं, हमारे माइंड के लॉर्ड होते हैं, बड़े उलटफेर के कारक होते हैं। जब चंद्रमा का गोचर हमारी राशि से चौथे, आठवें और बारहवें स्थान में होता है तो हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चंद्रमा किन तारीखों में आपके राशि से अशुभ स्थान में रहेंगे और कब आपको सावधान रहना है, इस बात की जानकारी हम आपको एडवांस में देते हैं ताकि आप कोई भी यदि इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो आप पहले से अलर्ट रह सकें। तो डेट आप नोट कर सकते हैं 3-4 मई, 12-13 मई और 21-22 मई। इन तारीखों को ध्यान में रखते हुए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो फालतू की परेशानियों से बच करके अपने मंथ को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। आपके राशि के स्वामी शनि हैं और शनि आपके राशि में ही गोचर करेंगे, मंगल भी आपके राशि में ही गोचर करेंगे, यानी आपके अंदर अच्छी ऊर्जा होगी, एनर्जी पावर अच्छी होगी, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत बढ़िया होगा। लेकिन अधिक क्रोध, वाणी में नियंत्रण खो देना, इस तरह की सिचुएशन स्टार्ट हो सकती है, सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। घर परिवार से फालतू में विवाद ना होने पाए, इसका आपको खासतौर पर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपके वर्क प्लेस की बात कर लेते हैं। तो वर्क प्लेस में यदि आप कोई भी न्यू वर्क ऐड करना चाहते हैं, न्यू जॉब की तलाश में हैं, नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। पुलिस, फौज, प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IT प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा रहेगी, भरपूर साहस रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत शानदार रहने वाला है, जिसे आप किसी भी काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। यदि व्यापारिक दृष्टि से बात की जाए तो व्यापारिक दृष्टि से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, ऊर्जा में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, भाग दौड़ व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे आप और उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। और जो सक्सेस आपको मिलेगी उसमें आप अपनी व्यस्तता और थकान को बहुत ही आसानी से भूल जाएंगे। भाग्य का पूर्णतः सहयोग मिलेगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार है, आपको अच्छी लाभ, अच्छी सक्सेस इस समय विशेष में मिल सकती है, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं पर घर परिवार और कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उनसे रिश्ते खराब ना हो इसका ध्यान आपको विशेषता रखना है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, उनका सहयोग मिलेगा परंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, आपको मानसिक चिंता में डाल सकती हैं। यदि आप अपने घर मकान से सुख सुविधाओं से संबंधित, घर मकान की सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि चाह रहे हैं तो उसके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। घर मकान वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा, वहीं पर माता का सुख प्राप्त होगा परंतु स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आपके पिता को हार्ट या ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। पिता के साथ मनभेद, मतभेद जैसी स्थितियां उत्पन्न ना हो। राज्य सरकार से संबंधित यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो इन लीगल वर्क करने से आपको बचना है, अन्यथा आप फालतू की परेशानियों में फंस सकते हैं और एलिगेशंस भी आप पर लग सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रहने वाला है। आप अपनी स्टडी में कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत व्यस्त रहेंगे, जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, आपके नेम फ्रेम में वृद्धि होगी। वहीं पर लव पार्टनर्स की यदि बात करें तो लव पार्टनर्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। यदि आप अपने रिश्ते को लॉन्ग टाइम से आप लव रिलेशन में हैं, जिसको आप नाम देना चाहते हैं, घर परिवार में शादी विवाह की बात करना चाहते हैं, तो इस समय विशेष में आप कर सकते हैं, आपकी बात बनने के पूरे चांसेस बने हुए हैं।
स्पेशली आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, परिवार के साथ रिश्ते आपके संबंध खराब ना हों, जो कि आपके स्वयं के वाणी के कारण हो सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। गलत जुबान का प्रयोग नहीं करना है। यदि आप कहीं पर भी कोई भी सेविंग करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रॉपर तरीके से इस मंथ में हो सकती है, यानी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर का आपको ध्यान रखना है। यदि पहले से रिश्तों में कुछ कड़वाहट चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, तो उसमें और परेशानी बढ़ सकती है। तो स्पेशली आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती बना करके रखनी है और स्वास्थ्य के प्रति आपको स्पेशली एकाग्र रहना है, विशेष ध्यान देना है। शेष मंथ आपके लिए शुभ ही रहेगा। तो दर्शकों, ये रहा कुंभ राशि के जातकों का राशिफल। यदि आपका कोई विशेष प्रश्न है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।